हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रिट्ज़ आर्ट एंड क्राफ्ट। मैं जो आज प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ, इसमें टी लाइट कैंडल होल्डर है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा अगर आप ये अपने दरवाजे के बाहर विद रंगोली लगाएंगे, और अंदर भी लगा सकते हैं, इंडोर भी लगा सकते हैं। आप इसकी जगह कैंडल्स की जगह चाहें तो बैटरी वाली कैंडल्स भी लगा सकते हैं, तो उससे आग लगने का खतरा भी नहीं रहेगा। तो आपने जैसे शॉर्ट्स में देखा ही होगा, मैंने ये पिकॉक उसके अंदर फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया था जब मैंने बनाया था। तो देखें कैसे बनाना है। पहले तो मैं इसके लिए जो बेसिक लेने वाली हूँ, ये टॉयलेट रोल के वेस्ट हैं, तो इन्हें मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एक तो छोटे भी हैं साइज़ में और मोटे भी हैं, और एक लंबा वाला ले रही हूँ। ये किचन रोल का वेस्ट है, तो ये लंबा वाला लूँगी जिस पे पिकॉक स्टिक होगा। तो एक ये है, और इसके बाद कलर्स, मेटालिक कलर्स ले रही हूँ मैं यहाँ पे। देन ये बैंगल्स हैं, ये मेरी पुरानी बैंगल्स हैं, ये कैंडल होल्डर के लिए काम आएंगी। एक पिकॉक का प्रिंट आउट लिया है मैंने, जिसके ऊपर मैं पूरा क्ले से पिकॉक बनाऊंगी, और इसके लिए क्ले, सीज़र एंड कटा, कार्डबोर्ड्स लिए हैं मैंने एक इसको बेस देने के लिए, और टी लाइट कैंडल होल्डर के भी बेस देने के लिए। तो मैंने दो छोटे छोटे कार्डबोर्ड्स लिए हैं, इसके ऊपर के बेस के लिए भी मैं कार्डबोर्ड ही यूज़ करूँगी सर्कुलर शेप में, और ग्लू गन जो इजी टू यूज़ है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो ग्लू गन से ही मैं पूरा प्रोजेक्ट बनाऊँगी। तो सबसे पहले इनको दो को मैं सेम ही रहने दूँगी, मतलब इसमें कोई कटिंग नहीं करूँगी, एज इट इज़ रहने दूँगी। अब इसके अंदर मैं सेम साइज़ के दोनों काट लूँगी, मीन्स इससे थोड़े छोटे कर दूँगी, और आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं इसको अराउंड 3 सेंटीमीटर्स कुछ साइज़ देकर, और मैं चारों तरफ इसके सर्कुलर शेप देके इसे कट कर लूँगी। एक प्लेट से सेमी सर्कल ड्रॉ कर लूँगी एंड इसे कट कर लूँगी। ये इसका बेस होगा, तो इसके ऊपर ही मैं सारे जो वेस्ट थे रोलर्स, जो टिश्यू रोल के थे, वो मैं लगा दूँगी। सबसे सेंटर में आएगा पिकॉक के लिए, देन बैक साइड से स्टार्ट करेंगे, तो पीछे लंबे वाले और आगे छोटे वाले, और सेंटर में सबसे छोटा। तो ये इसे सर्कुलर शेप में मैं स्टिक कर दूँगी। मैं इसे स्टिक करने के बाद ही पेंट करूँगी। सो तब तक हम सर्कुलर शेप काट लेते हैं 5 टी लाइट कैंडल होल्डर्स के लिए। बैंगल शेप का ही साइज़ कट करेंगे, क्योंकि बैंगल का जो बॉर्डर बनाएंगे, पहले ये बैंगल्स और ये जो होल्डर्स हैं, इनसे हम स्टिक कर लेते हैं। पहले हम मेजर कर लेते हैं इसका मिड पॉइंट सेमी सर्कल का, तो जो मिड पॉइंट है वहाँ पे ही पिकॉक का स्टैंड लगेगा। और जब भी आप वो पिकॉक को स्टिक करने के लिए, क्योंकि क्ले से बना है, स्टैंड लगाएं, तो आप उसके अंदर थोड़ा ग्लू गन और थोड़े पेपर फिल कर लीजिए, ताकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए और थोड़ा मोटा हो जाए। अदरवाइज़ पिकॉक क्ले का है, हैवी होगा तो वो बेंड हो जाएगा। तो मैंने दोनों तरफ से मिडिल पॉइंट लेके इसके पोजीशंस इस तरह से स्टिक करेंगे।
ये बैंगल्स को स्टिक कर लिया है। अभी ये तो हो गया है, अभी इसका बेस देंगे, यानी कि ये होल्डर्स के ऊपर हमने जो कटिंग्स रखी थी सर्कुलर, वो हम सारी पेस्ट करेंगे लाइक दिस। लेट्स पेस्ट इट। अभी इसको पेंट करेंगे, मैं इसे ग्रीन कलर पेंट करूंगी इसके बेस के लिए, और जो ये टी लाइट कैंडल होल्डर्स जो होंगे उसे मैं पिंक करूंगी, क्योंकि इसमें पिंक है बैंगल्स में। तो पहले इसे कलर कर लेते हैं सारा, एंड इसमें फिर अपने अकॉर्डिंगली शेड्स दे देंगे। अभी मैं पर्पल कलर से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दूंगी विद द ब्रश रफली, और उसके बाद गोल्डन कलर उसके ऊपर टचिंग के लिए, और अभी पिंक कलर ऑन द होल्डर्स। जब भी आप क्ले से कुछ भी बना रहे हों, हमेशा पाउडर का यूज़ ज़रूर करें, अदरवाइज़ क्ले को जब हम यूज़ करते हैं वो आधे से ज़्यादा हमारे हाथ पे स्टिक हो जाती है या फिर इसके बेस पे स्टिक हो जाती है, तो पाउडर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और इस प्रिंटआउट के ऊपर पिकॉक बनाने से मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली शेप देनी पड़ेगी। इसको कंप्लीट करते हैं, फिर ड्राई होने के बाद हम इसे पेंट करेंगे। जब ये पीकॉक सूख जाएगा तो मैं कार्डबोर्ड से इसके नीचे एक बेस बना के चिपका दूंगी, सो दैट ये थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाए। तो एक रफली बेस जो पीकॉक के साइज से स्लाइड छोटा हो, तो इसे कट करके हम क्ले वाले पीकॉक को इस पे पेस्ट कर लेंगे। Now trying to paint. अब ये पीकॉक भी ड्राई हो गया है, अब हम इसे पेस्ट कर लेंगे इसके बैक साइड पे। पहले हम इसे पोजीशन करके देख लेंगे और पेंसिल से लाइट सा मार्किंग कर लेंगे कि हमें कहाँ तक ग्लू लगाना है। तो ये इस पोजीशन में
थोड़ा साइड में भी ग्लू लगा देते हैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और बैंगल्स को भी स्टिक कर लेते हैं। सो होल्डर्स आर रेडी, सो दिस इज़ डन। थोड़ा सा इसके बॉर्डर पे थोड़ा सा मैं ये डेकोरेटिव मटेरियल्स लगाऊंगी सो दैट ये और अच्छा दिखे, ज़्यादा नहीं करूंगी, आई थिंक इट्स अनाफ, इससे ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा स्टिक कर लेते हैं। अभी इसमें कैंडल्स भी लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ, ईजीली इसमें आ जाएंगी। आप चाहें तो बैटरी वाली कैंडल्स भी लगा सकते हैं क्योंकि वो भी अच्छी दिखेंगी और ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगी। पिकॉक के जो पीछे मैंने होल्डर लगाया था उसके अंदर मैंने बहुत सारा पेपर और ग्लू गन डाल दिया था ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सके, और इसके नीचे भी एक बेस दे दिया था और कार्डबोर्ड लगा दिया था, बेस के नीचे मीन्स और कार्डबोर्ड लगा दिया था। तो दिस इज़ कम्प्लीटेड, दिस इज़ डन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्राफ्ट अच्छा लगा हो फॉर दिस दिवाली, तो डू लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना अट्रैक्टिव लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।